आज का वीडियो का टॉपिक है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट को खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ का नाम हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका कॉन्स्ट्रक्शन जानेंगे, फिर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है, आपको यहाँ पर एक मैग्नेट दिख रहा है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, उसके बीच में एक आपको स्पिंडल दिख रहा है, ठीक है। अब स्पिंडल के साथ क्या कनेक्ट है, एक स्प्रिंग कनेक्ट है, ऊपर एक बेयरिंग कनेक्ट है। इस बेयरिंग से क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ये इजिली मूव कर पाता है, ठीक है। अब इस पॉइंटर के साथ देखो कनेक्ट है एक एल्यूमिनियम फॉर्मर। अब इसका क्या काम है वो आगे जानेंगे। एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर एक कॉयल लगा है, कॉयल क्या काम करता है वो हम आगे जानेंगे, और कॉयल के साथ दो लीड बाहर निकल के आया है, ठीक है। अब ये दो लीड के साथ हम इस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन काम कैसे करता है वो हम जान लेते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बहुत तरीके का हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, ओम मीटर हो सकता है, लेकिन सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक कॉयल है, और हम सभी को पता है कि जैसे ही इस कंडक्टर से, मतलब इस कॉयल के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होगा, मतलब जैसे इस जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसको मैं लोड के साथ लगाऊंगा तो क्या होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से एक करंट फ्लो होगा, वो करंट क्या होगा, इस कॉयल के अंदर से फ्लो होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट है। अब किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पर एक कॉयल भी है। अब जैसे ही इस कॉयल के अंदर से मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, ये जो कॉयल है इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। अब अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, इस पॉइंटर के ऊपर टॉर्क ज़्यादा लगेगा, अगर करंट कम फ्लो होगा तो यहाँ पर जो पॉइंटर है इस पॉइंटर के ऊपर फोर्स कम लगेगा, मतलब टॉर्क कम लगेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है जो, या फिर फोर्स का फॉर्मूला आप कोई भी बोल सकते हो, जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं हम। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है NBLI, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कॉयल का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कितना है, वर्टिकल लेंथ कॉयल का कितना है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इस फॉर्मूला की मदद से इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है वो आप इजीली निकल सकते हो। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड कौन करवाता है, यहाँ पर जो कॉयल है एक कॉयल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। अब इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब हम इस कॉयल में जब हम सप्लाई देंगे, तभी ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी एक टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसे ऑपोज कर देता है। ऑपोज करके जब करंट फ्लो नहीं होता है, ध्यान से समझना, जब कॉयल में से करंट फ्लो नहीं होता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, ये जो पॉइंटर है उसे रेस्ट पोजीशन में या फिर जीरो पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस कॉयल में सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इस कॉयल के अंदर से एक करंट फ्लो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा होगा। अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा होगा, ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर ये एल्यूमिनियम का फॉर्मर हम इसमें से हटा देंगे तो क्या होगा पता है, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर एक्यूरेटली मूव नहीं करेगा, इसलिए इस एल्यूमिनियम फॉर्मर को यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। ये एल्यूमिनियम फॉर्मर जैसे ही मूव होता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है इस फ्लक्स को कट करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे ही कट करेगा, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम का जो फॉर्मर है ये पूरा शॉर्ट सर्किट है, तो इसके अंदर से एक एडी करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही इसके अंदर से एडी करंट फ्लो होगा ना, इस एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क क्या करेगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो कि जो कॉयल है वो कॉयल प्रोवाइड करवाता है, उस टॉर्क को ऑपोज करने की कोशिश करेगा, एंड जो वैल्यू वो वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, मतलब कांटा इधर उधर हिलेगा ना, ये बिल्कुल सीधा बराबर एक्यूरेटली वैल्यू निकल के आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस एल्यूमिनियम फॉर्मर का यूज किया जाता है। इसे कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क, जो एडी करंट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इस पॉइंटर के साथ एक बैलेंसिंग वेट का यूज किया जाता है,
नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंसिंग वेट, मतलब इस पॉइंटर को बैलेंस करने का हेल्प करता है। तो बस छोटा सा ही वर्किंग प्रिंसिपल है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और जो डैम्पिंग टॉर्क है वो एडी करंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे ही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देंगे, मतलब जैसे ही कॉइल में से करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, कॉइल के अंदर एक टॉर्क प्रोवाइड होगा जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कौन अपोज करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क भी अपोज करने की कोशिश करेगा, एंड जो डैम्पिंग टॉर्क जो एडी करंट है वो भी अपोज करने की कोशिश करेंगे। दोनों को अपोज करने के बाद जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा वही हमको मिलेगा, एंड वही एक्यूरेट वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पर मिरर का यूज किया जाता है। मिरर का रिफ्लेक्शन देखकर आप एक्यूरेट वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हो। तो यही है पीएमएमसी का वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसे ही काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा सकते हो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा।